एक मानवता के बारे में ही बता दीजिए आप, मानवता का संदेश दीजिए कि आज मानव किस तरफ जा रहा है और उसको क्या करना चाहिए कि आपसे भाईचारा बना रहे। देखिए, पूरा जो विश्व है वो मानवता पर ही टिका हुआ है। आज अगर किसी भी पाप को, किसी भी गलत काम को रोकने का अगर सबसे बड़ा दायित्व किसी के ऊपर है तो मानवता के ऊपर है। और मैंने हमेशा अपने कथा के माध्यम से भी लोगों से यही निवेदन किया है कि कभी भी धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से, या आपसी जाति भेद के नाम से, या अपने ही धर्म में अलग अलग भगवानों के नाम से कि तू राम वाला है, तू कृष्ण वाला है, इस तरह का भेदभाव जब तक रहेगा तब तक भारत में जो एकजुटता है वो कभी नहीं दिख पाएगी। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम हर प्रकार की अपनी भेदभावना को एक तरफ करके, सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता, ये हमें हमेशा सिखाया गया। और दुख इस बात का है कि आज के समय में मानव को मानवता भूलनी नहीं चाहिए, ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि एक पशु को कभी नहीं याद दिलाना पड़ता कि आपको पशुता याद रखनी है क्योंकि आप पशु हो, लेकिन मानव को याद दिलाना पड़ता है। क्योंकि कुछ उदाहरण हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं, चाहे वो कन्याओं के ऊपर अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, पशु हो, गौ माता पर अत्याचार हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लगती है कि अभी हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और सत्संग इसीलिए है, सत्संग क्या कराता है, सत्संग आपको मानवता और मानव होने का दायित्व सिखाता है। एक चीज़ ये भी देखने के लिए कि मानव दूसरे के ऊपर डिपेंड हो चुका है। अगर मैं आपको कहूँ कि खुशी की बात है तो बता देगा, लेकिन दुख की नहीं बताता कि एक चाबी ये बात है कि आप दूसरे के हाथ में आपकी जिंदगी, इसीलिए तो दुखी है, उसके दुख का कारण ही यही है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको देखिए, बातें बोलना लेकिन उसको जीवन में लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जानते सभी हैं, लेकिन ये होगा कब, जब आप एक नियमित तौर पर रेगुलर जब आप सत्संग सुनते रहते हैं। कहते हैं ना, एक ही जगह जब बार बार चोट लगती है तो फिर वहाँ निशान बनता है। तो ठीक वैसे ही जब बार बार सत्संग में जाएगा, और सत्संग में क्या सिखाया जाता है, भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा, ये सब कथाएं तो हैं ही, इनको तो हम सब जानते ही हैं, पर सत्संग का वास्तविक अर्थ ये होता है कि आप जिस सुख की खोज में भाग रहे हैं, या आप अपने सुख को जो आपने दूसरों के हाथों में दे रखा है, रिमोट कंट्रोल जो है वो दूसरों के हाथ में है, उससे बाहर निकलिए। आप जहाँ सुख खोज रहे हैं असलियत में वहाँ सुख है ही नहीं। दूसरी ये की है कि पहले मनुष्य जानवर से डरता था, जानवर उसे खा जाएगा, लेकिन अब आदमी आदमी से डर रहा है, क्या कारण है जो इतना? देखिए, इसका कारण यही है कि लोगों ने अपने जीवन से अध्यात्म को कम कर दिया है। भौतिकता बढ़ी और अध्यात्म कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों के जीवन से, घरों से, परिवारों से कम हुआ। और जब तक वो आध्यात्मिकता वापस जीवन में नहीं आएगी, तब तक कहीं ना कहीं ये जो मानवता और मानवता का युद्ध जो चल रहा है समाज में, निरंतर बना रहेगा। आज के समय में सत्संग पहले के हिसाब से तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा ये भी बार बार कहना रहता है कि सत्संग को अगर आप एक मनोरंजन की तरह देखेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। और होता भी वही, हम 7 दिन कथा सुनते हैं, उसके बाद जैसे हम पहले थे वैसे ही हम बाद में होते हैं, क्योंकि वहाँ हम कुछ सीखने नहीं, बस एक मनोरंजन के लिए आते हैं कि थोड़ा अच्छा सुन लिया, नाच लिया, गा लिया। तो अगर उस सत्संग को हम अध्यात्म को जोड़ लें सत्संग के द्वारा अपने जीवन में, तो ये जो एक मानवता का ह्रास हो रहा है ये रोका जा सकता है। ये भी सामने आया कि आप गाय हैं, उनका इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, लेकिन आज गाय की काफ़ी दुर्दशा हो रही है। ठीक है, सरकार बीजेपी है वो प्रचार करती है, गाय का भी करती है, लेकिन गौशालों में वो स्थिति है कि दयनीय है कि गाय को पूरा चारा नहीं मिल पाता बरोबर। देखिए, आप जिसकी बात कर रहे थे ना मानवता की, असल में उस मानवता के ह्रास होने की जड़ यही है। जब से हमारे देश में गाय मरने लगी या गाय कत्ल खाने में काटी जाने लगी, तब से मानव अपनी मानवता भूलता चला गया। पहले हमारे इस पूरे भारत देश में गाय को माँ कहकर के उनकी दिन रात सेवा की जाती थी, लेकिन आज़ादी के बाद धीरे धीरे कत्ल खानों की संख्या बढ़ती चली गई। सरकार ने भी कत्ल खानों पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया, तो लोग को लगा अच्छा धंधा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और इसी के कारण धर्म बैल के रूप में माना जाता है,
और धर्म की जड़ उस रूप से अगर देखा जाए तो बैल की जननी है गाय, गोवंश, तो धर्म का जननी ही गोवंश, धर्म की माँ ही गाय है। और अगर गाय कटेगी इस देश में, अगर गाय का एक भी रक्त बहेगा तो धर्म को बचाना बहुत मुश्किल है। तो गाय की जो दशा है, हम तो जो आप बता रहे हैं एक हॉस्पिटल है वहाँ देखते हैं लोग गाय के ऊपर एसिड डाल देते हैं, कोई गाय का ऑपरेशन होता है तो पेट से 60-60 किलो प्लास्टिक पॉलिथीन बाहर निकलती, क्योंकि पॉलिथीन भी एक बहुत बड़ा कारण है गाय के मरने का। तो अगर थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आ जाए लोगों में, जागृति आ जाए, तो इस जो गौ पर अत्याचार हो रहा है वो रोका जा सकता है। तो सरकार से क्या आह्वान करते हैं आप गाय को लेकर? यही आह्वान है, देखो बहुत सारे ऐसे कार्य थे, मोदी जी ने कई बार डिसीजन लिए, रात को एट ए टाइम लिए, अभी नोटबंदी, तो क्या गाय को लेकर नहीं हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो संतों का, पूरे जो भागवत प्रवक्ताएं हैं, संत महापुरुष, उनका यही आह्वान है। और जब ये सरकार आई भी थी तो हम सब जानते संतों का एक बहुत बड़ा समर्थन था मोदी जी के लिए, आज भी रहता है। उसका कारण ही यही था कि एक ही आशा थी कि एक राम मंदिर, एक गौ माता और एक भ्रूण हत्या, इनके लिए कुछ अच्छा कार्य हो। प्रभु कृपा से राम मंदिर तो अभी हम सबके समक्ष आ ही गया है, पूरे देश में खूब उत्साह है, पर आशा है कि राम जी की भी इष्ट है गौ माता, कृष्ण की भी इष्ट है गौ माता। अगर वो दर दर घूम रही हो, राम जी को महल में भी विराजमान कर दे, तो शायद रामलला उतने प्रसन्न नहीं, क्योंकि उनकी माँ सड़क पे घूम रही है। तो भारत सरकार से यही निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बहुत बहुत आशा है, खासकर संत समाज की, आध्यात्मिक जो लोग हैं उनकी तो बहुत आशा है। और अगर कोई भी गाय के लिए कुछ भी अच्छा करता है, कोई अच्छा कानून आता है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी बात कोई सरकार के लिए। एक दो बात बेटियों के बारे में देते हैं जी, कि बेटियों को किस तरह रहना चाहिए, किस तरह रहन सहन संस्कार होने चाहिए बेटियों में, आज के टाइम में कितने स्तर खासकर हो रहा है? बिल्कुल, देखिए दोनों चीज़ है। जब हम एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, और हमेशा कहते हैं नारी हमारे समाज की एक ध्वजा है, एक स्तंभ है, लेकिन उसके साथ साथ नारी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी अपनी एक मर्यादा है। मर्यादा का मतलब ये नहीं होता कि वो कमज़ोर है, कमज़ोर चीज़ की सुरक्षा होती है ऐसा नहीं है, जो चीज़ कीमती होती है उसकी भी सुरक्षा होती है। तो भारत की जो नारी है वो अगर सुरक्षा में रहती है तो इसका मतलब कमज़ोरी के कारण नहीं, बल्कि उसकी कीमत इतनी है कि उसको थोड़ा सा मर्यादा, थोड़ी सी सुरक्षा आवश्यक है। जैसे एक नदी भी दो जब किनारों के बीच में बहती है तब सीधा चलती है, अगर वो किनारों को तोड़ देगी तो पूरा तूफान आ जाएगा। तो ठीक वैसे ही कन्याओं से मेरी प्रार्थना है, खूब आगे बढ़े, जो आपके मन में एम्बिशन है, जो आप करना चाहती हैं अपने लिए, समाज के लिए, अच्छा है, खूब आगे बढ़े, पढ़ाई करें, शिक्षा ग्रहण करें, साथ साथ में अपनी मर्यादा को और अपने संस्कारों को।